हिंदी टीचर से हाँ हमारा क्वेश्चन है कि जी पूछिए। साहित्य, हाँ साहित्य में हम बच्चों में मानवता एवं नागरिकता का विकास कैसे करेंगे? हिंदी साहित्य में हाँ, हिंदी साहित्य में हमें बच्चों के अंदर मानवता एवं नागरिकता का विकास करना कैसे करेंगे? सबसे अच्छा तो इसमें ये है, मानवता और नागरिकता का विकास करने हमारी जो कहानियां हैं, कहानियों के माध्यम प्रेरणादायक जो कहानियां हैं उनको हम बताकर बच्चों में मानवता के बारे में उनको समझा सकते हैं। और काफी ऐसी कहानियां हैं, और ये जैसे ये मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है उनमें भी कई ऐसी कहानियां आती हैं जिससे कि मतलब एक आदर्शवाद और मानवतावाद का उसमें अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल मिलता है। तो कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से उस बच्चों में मानवता का विकास कर सकते हैं। और क्वेश्चंस, और और उसके पंचतंत्र की कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां हैं, और हितोपदेश की कहानियां हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं। किसी उनसे बच्चे को मतलब अच्छा कंपटीशन मोरल डेवलपमेंट हो जाएगा। कंपटीशन के लिए मोटिवेट करना है कि वो कंपटीशन में भाग ले, तो उसे कैसे मोटिवेट करेंगे? कंपटीशन के लिए पहले तो बच्चे को हमें पहले तो उसको हमें अभिप्रेरित करना होगा कंपटीशन के लिए कि मतलब आप अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको ये उसको लाभ बताने होंगे कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के हमें ये फायदे होते हैं। अगर आप ये करोगे तो आप हम कुछ प्रोत्साहन के रूप में कुछ रख भी सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन बहुत चीजें करूं, होती है पेंसिल। हाँ आप करो। क्वेश्चन क्या था सर आपका? मुझे किसी बच्चे को मोटिवेट करना है कि वो कंपटीशन में भाग ले, तो कैसे मोटिवेट करोगे आप? कंपटीशन किस टाइप की है पहले ये हम देखेंगे, क्या वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या फिर वो कोई ये है नेशनल लेवल का जो बोलते हैं ना बच्चों का, कोई आईक्यू लेवल टेस्ट है, किस टाइप का कंपटीशन है पहले वो चीज देखेंगे। अगर वो लगता है कि एजुकेशनल लेवल का कोई कंपटीशन है या मैथमेटिकल बैकग्राउंड का कोई कंपटीशन है, उसमें पहले उन चीजों को बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके समझा देंगे कि ये चीजें ऐसे ऐसी ऐसे ऐसे होती हैं। फिर उन चीजों में कंपटीशन के लिए बच्चे को पार्टिसिपेट करा के प्रैक्टिस करवा के फिर उनको बोलेंगे कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे उनके फोकस करेंगे। फर्स्ट स्टेप निशा ये, कैमरा ऑन दूसरा स्टेप। कीजिए। ईशा, नेहा, यस सर, हाँ एक मिनट। जी हाँ यस जी, सर, यस सर। बोलते जाइए, अपनी बात बताते जाइए, नो प्रॉब्लम। सर हाँ जी बोलते तो जाइए, अच्छा बोल रहे हैं आप। सर फर्स्ट लेवल है कि कंपटीशन का क्या टाइप है वो चीजें देख लेंगे, और जब वो चीजें पता चलेंगी तो उनको हम बहुत डिस्क्रिप्टिव लेवल पे अच्छे तरीके से समझा देंगे कि ये कंपटीशन कैसे है, इस पर कैसे काम करना होगा, कैसे प्रैक्टिस करना होगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा कि उसके टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन टोटली डिपेंड्स ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो फिर हम बच्चे को उस हिसाब से प्रैक्टिस कराएंगे कि फॉर द गिवन टाइम हाउ टू यू परफॉर्म वेल। बस मेरे हिसाब तो ऐसे ही है, मेरा तो यही तरीका होगा। कपिल, महेश, हाँ सर, नेहा, कैमरा सबसे पहले ऑन तो ये कीजिए। देखना होगा कि कंपटीशन मतलब किस एरिया में, किस क्षेत्र में है, तभी मतलब उस पर काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए, आप पूछिए। फिजिकल एजुकेशन का ओलंपिक मशाल के बारे में सुना होगा आपने? ओलंपिक मशाल, लाउडली बोलिए, आगे आइए ओलंपिक बोलिए। मशाल के बारे में तो सुना ही होगा आपने। कौन से ओलंपिक में ओलंपिक मशाल को पानी के नीचे से लेके गए थे? एनीबडी? महेश, यस सर, क्वेश्चन रिपीटेड। कौन से ओलंपिक में ओलंपिक मशाल को पानी के नीचे से लेके गए थे? महेश, रजनी, सर ये तो ये कौन से ओलंपिक में, ये मुझे लग रहा है पानी के नीचे से ओलंपिक जी, वाला ओलंपिक ऐसा ही मशाल। कुछ था। रजनी, यू वांट टू ट्राई? रजनी, आप ट्राई करना चाहेंगे? नहीं सर सर, ऐसे तो अगर इसका बोला जाए तो ओलंपिक दो टाइप का होता है ना सर, एक समर और एक विंटर। और ये जो आप बोल रहे हो कि जवाब मसाल पानी के अंदर से लेके गए थे, आई एम नॉट लिसनिंग।
या आई एम नॉट गो थ्रू एनी न्यूज़पेपर सर क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्वेश्चन रिपीट कर दो मैडम बोल रही है कौन से ओलंपिक में ओलंपिक मशाल को पानी के नीचे से लेके गए थे सॉरी इस बारे में तो नहीं पता सर कौन से ओलंपिक में इसका मुझे कोई आइडिया नहीं नहीं आपको पता तो बताओ ना हाँ हाँ बताइए सिडनी ओलंपिक 2000 में सिडनी ओलंपिक 2000 सिडनी ओलंपिक 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबडी कैन हाँ जी महेश भाई अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है बताओ भी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जी हाँ जी बुकर पुरस्कार एनीबडी कैन आंसर नीरज चोपड़ा हाँ या क्या सर सर फिर से रिपीट करेंगे क्वेश्चन 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 अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है मान बुकर है ना सर दो तरह का बुकर नहीं मान बुकर नहीं है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सर आई डोंट रिकॉल मैम सॉरी आदित्य यस क्वेश्चन मैम रामदास मिश्रा को दिया गया था शायद जहां तक मुझे याद है नहीं वो गीतांजलि श्री को दिया गया है अच्छा ये मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था गीतांजलि श्री नेक्स्ट क्वेश्चन महेश भाई और भी भाई बहुत बैठे हैं किसी सर ये बताइए कि अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र प्रधान है नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा मैम आप ये बताएंगे कि केवीएस में नंबर ऑफ स्कूल्स कितने हैं हाउ मेनी स्कूल्स इन केवीएस 1253 है 1253 लेकिन आप ये भी बताएंगे कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी बताएंगे सर इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे तीन बाहर है टोटल 1253 कौन कौन सा सर प्लेस है प्लेस कौन कौन सा है एक काठमांडू में है मास्को में है और ईरान की राजधानी मास्को तेहरान 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 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कोई लाइब्रेरियन का पूछना तो आदित्य बता सकते हैं हाँ पूछो पूछो आदित्य सर लाइब्रेरियन का कार्य क्या होता है लाइब्रेरियन को ऐसे तो बहुत कार्य है लेकिन प्रमुख कार्य है अच्छा कैटलॉगिंग जानना पाठकों का समय बचाना लाइब्रेरी को मेंटेन रखना लाइब्रेरी में हमेशा अटेंशन रखना और साइलेंस मेंटेन करवाना जो कि लाइब्रेरी का नियम बहुत महत्वपूर्ण है अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे जिसका कैमरा ऑन ये पूछना हाँ जी पूछिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है किस कमिटी की सिफारिश से आई थी कस्तूरी रंगन की सिफारिश से आई थी जो इसरो के चेयरमैन थे केवीएस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है 1963 नेक्स्ट क्वेश्चन केबीएस के हाँ केबीएस के वर्तमान कमिश्नर कौन है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस वो आईआईएस बोल रहे
अच्छा मैम ये बताइए कि केवीएस अभी रिसेंट में कुछ एप्लीकेशन यूज कर रही है बच्चों के लिए। कपिल कुमार अपना कैमरा ऑन कीजिए, अदरवाइज आपको यस केवीएस दिया जाएगा। निशा आपका कैमरा। यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या केवीएस अभी किसी एप्लीकेशन किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है क्या एजुकेशन के लिए या टीचर्स के लिए की गुणवत्ता के लिए? बताइए लाइब्रेरी बताइए ई ग्रंथालय और अगर अगर टीचर्स के कभी अगर मैंने इवेल्यूशन किया जाए तो उसके लिए कोई पोर्टल वगैरह केवीएस के साइट पे उपलब्ध है कि नहीं, या केवीएस ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ टीचर का भी इम्प्रूवमेंट हो सके? एनीबॉडी कैन ट्राई मैम। निष्ठा है क्या जैसे दीक्षा ऐप वगैरह ये सब जो है? निष्ठा है निष्ठा भी है, निष्ठा है, दीक्षा है, निपुण। कंटिन्यू यस। विश्व खेल दिवस साहित्य हिंदी हेलो फिजिकल एजुकेशन खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 7 अप्रैल खेल दिवस ये ध्यानचंद के बर्थडे पे मनाया जाता है। विश्व खेल दिवस लाइब्रेरियन है सर, उनसे मेरा क्वेश्चन है सर। ये रे लाइब्रेरियन। यस सर, आप बताएंगे हम अपने लाइब्रेरी में यूडीसी का यूज कैसे करेंगे? बताइए दोनों जन। ये कैसा नोटिसन है, कुछ यूडीसी के बारे में बताइए। यूडीसी का तो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और यूज कैसे करेंगे? बताओ जोर से बताओ। यस एनीबडी एल्स वांट टू ट्राई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सर कुछ जनरल क्वेश्चन हो सकती है ये रिवीजन के तौर पे कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीचर? यस श्योर, पीपल आर रेडी टू आंसर। हाँ जी टीचर की क्वालिटीज। सबसे पहले तो टीचर को अपने सब्जेक्ट पर पूरी कमांड होनी चाहिए कि जो पढ़ाने जा रहा है उसे पता हो कि मैं क्या क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ। और टीचर बेशक साल में कितनी बार भी उस लेसन को करवाए मगर उसे पहले घर पर उसकी रिहर्सल जरूर करके जानी चाहिए कि उसे हर पॉइंट का पता हो। और दूसरा कि बच्चे बीच बीच में क्वेश्चन करते रहते हैं और टीचर को ऐसे नहीं कि उसे डांट कर बिठा दे, उसे बच्चे को समझाना चाहिए। यदि वो बाद में बताना चाहता है तो लास्ट में 10 मिनट दे टीचर बच्चों को। और उसे एजुकेशन क्वालिटी पर जरूर काम करना चाहिए अपनी, और उसमें मेथड यूज करने चाहिए जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, मैप के द्वारा पढ़ाना या कोई भी मॉडल के द्वारा पढ़ाना। एनीबॉडी वांट टू ऐड समथिंग? हाँ टीचर मतलब सहनशील होना चाहिए। yes. और उसका जो प्रोनंसिएशन है वो मतलब शुद्ध होना चाहिए, और इसके साथ साथ मतलब जो बात कहे विद्यार्थी उसकी मतलब बहुत शालीनता पूर्वक सुनना चाहिए। मेरी बात एक है मैम कि टीचर को तो सबसे पहले पंक्चुअल होना चाहिए। डिसिप्लिन वर्ड शुड बी देयर इन हिज लाइफ और हर लाइफ। हां डिसिप्लिनड और पंक्चुअल। डिसिप्लिन इज देयर देन एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक पंक्चुअलिटी ऑनेस्टी एंड टुवर्ड्स द वर्क एंड एवरीथिंग। आदित्य स्टूडेंट किशोर हैज गॉट सिलेक्टेड इन AWS शॉर्टलिस्टेड फॉर दैट। आदित्य के लिए अच्छी न्यूज़ है। अनीता आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको वेलकम है। आप हमारी ऑनलाइन स्टूडेंट है, SST आपका सब्जेक्ट है, यहाँ SST के बच्चे हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। फास्ट क्वेश्चन पूछो मैडम से, अनीता मैडम से। जी मैम आप मुझे बताइए भारत को फिजिकल फीचर के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? सर 5। हाँ बताइए नेम बताइए। पर्वतीय, मैदानी और पठारी, तटीय। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है और राष्ट्रपति के बारे में 2-4 लाइनें बताएं कि वो कहां से संबंधित है? राष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ये पहली
पहली महिला है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ट्राइब, ट्राइबल एरिया बोल सकते हैं आप, ट्राइब्स की पहली महिला प्रेसिडेंट है, और हमारे भारत की ये दूसरी महिला प्रेसिडेंट है, और ये हमारे झारखंड एक मतलब हमारा एक स्टेट है जिससे वो रिलेटेड है। चलिए हमारा सबसे अच्छा समय है, एक छोटी सी बात, हमारे जो अनीता है उनका फर्स्ट डे हमारे साथ, और हमारी जो देवेंद्र है उनका सेकंड डे है। शांति रखिए सब जने। जब मैं प्लीज शांति रखिए सब जने, नो टॉकिंग एट ऑल, चुप रहिए। पीडी क्लासेस में आने से पहले मेरा कॉन्फिडेंस काफी लो था, और मैंने इंटरनेट पर सर्च किया कि कोई मुझे सिखा दे कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, तो सर्च करने के बाद सबसे पहले आया ही पीडी क्लासेस था, और उसके बाद मैंने यूट्यूब पर देखा और मुझे काफी अच्छी वीडियो लगी इनकी, तो फिर मैं गंगानगर आ गया बिना किसी को पूछे हुए, और आज कॉन्फिडेंस बहुत हाई। और आप लोगों को एक और अच्छी न्यूज देना चाहूंगा कि देवेंद्र का यहाँ ससुराल भी है, तो सोचिए मतलब ससुराल बिल्कुल बिल्कुल, अब पूरा सहयोग मिल रहा है हमें भी, और वाकई में बहुत अच्छी बात। चलिए एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब शुरू करो क्लास वापस से, क्वेश्चन पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साहित्य में आईसीटी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? किस चीज का मैम? हिंदी साहित्य में आईसीटी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है? साहित्य के टीचर बताएं, साहित्य के हिंदी सब्जेक्ट टीचर सोनी ज्योति, इवन यू कैन ट्राई अनीता, हिंदी साहित्य में आईसीटी का यूज। हाँ जी, आईसीटी का यूज हम अगर पोएम तो उनको करवा सकते हैं अच्छे से, ओरल में भी, और साहित्य के बारे में जैसे कवि किसी के बारे में तो उनके जीवन संबंधित आईसीटी में उनका वीडियो के तौर पे बना के या उनकी जीवनी के आधार पर हम ऐसी चीजें यूट्यूब से या कोई भी गूगल पे से और आईसीटी का यूज करके उनको बता सकते हैं, तो जल्दी समझ में आएगा। नीता मैम, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत कैसे बताऊं? अनीता जी ट्राई करोगे? हाँ जी, माउंटेन कैसे बताना है, फर्स्ट है थोड़ा। जैसे माउंटेन तीन प्रकार के होते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनो का। जैसे फोल्ड दो प्लेटें जब टकराती हैं उसके द्वारा बना के होता है, ज्वालामुखी भूकंप यही सर। हाँ जी, हाँ जी मैम, थोड़ा सा इंग्लिश में। अच्छा, ज्वालामुखी सर, वो जैसे कि ज्वालामुखी है तीन प्रकार के होते हैं, लुप्त, विलुप्त और सर एक्टिव रहते हैं। लुप्त हमारे हरियाणा की जो डोसे की पहाड़ी है जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ नॉर्मल, ये सबसे उसका बेस्ट उदाहरण है। अंडमान निकोबार एक्टिव जागृत बोलते हैं और ये सुसुप्त बोलते हैं, लुप्त नहीं बोलते ना, सुसुप्त बोलते हैं, ये जागृत बोलते हैं, और एक जागृत होगा सुसुप्त होगा तो मुगल काल का उसको हटाया गया है। इसमें मैम एक तो मुगल काल को हटाया गया है और नाथूराम गोडसे के बारे में थोड़ा सा चैप्टर हटाया गया है, उसकी दो चार लाइनें हटाई गई हैं, और कांग्रेस के बारे में था उसे भी हटाया गया है इसमें से। और कांग्रेस के बारे में ठीक है मैम, आप मुझे बताइए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? लोकसभा का सर ये जनरल क्वेश्चन है, कंप्यूटर वाले भी दे सकते हैं आंसर। हाँ, कोई भी दीजिए, वैसे लोकसभा लोकसभा जो होता है उसमें पहले तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही कोई आ सकते हैं, जो आफ्टर क्राइटेरिया पूछा गया मैम, क्राइटेरिया पूछा गया, क्राइटेरिया है कि आप भारत के एक नागरिक होने चाहिए पहली बात। हाँ। दूसरी बात है कि आपका एज जो है वो 25 साल होना चाहिए, बस ये दो चीजें, ये दो चीजें जो हैं। पागल दिवालिया ना होना चाहिए, नहीं नहीं वो तो भारत के नागरिक में आ जाएगा। और तीसरी बात क्या है ना कि आप किसी प्रॉफिटेबल पोस्ट पर नहीं होने चाहिए, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई पोस्ट
डिक्लेयर किया गया उस पोस्ट के अंतर्गत कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। एक मैम अगर ये तीन क्राइटेरिया जनरल क्वेश्चन है कि आपको न्यायपालिका के बारे में बताना है कि आज के टाइम में आपको लग नहीं रहा कि न्यायपालिका अपनी जगह से थोड़ी सी गिरी है कि उसे और सुधार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि एक हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इंडिया को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का तो नीड है ही, तीन पिलर हैं जो हमारे देश को चला रहे हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक जो न्यायपालिका है। अगर आप इसको देखें, हाँ लेजिस्लेचर और इन लेजिस्लेचर हो गया और आपका इन सारी चीजों पर अगर कोई कमांड करता है जो इसके ऊपर है, जो अपना डिसीजन दे सकता है और कोई चीजें बियॉन्ड हमारे मतलब पीपल के अगेंस्ट जा रही हैं, तो उस पर केवल एक ही चीजें लगाम लगा सकती है, वो है जुडिशियरी। तो मुझे नहीं लगता है कि जुडिशियरी का रोल कभी डाउन हो सकता है या डाउन हो रहा है या अपनी जगह से हिली हुई है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल एजुकेशन से सवाल है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के बारे में जानते होंगे आप। हैमर थ्रो में हम हैमर थ्रो और हमारे हैंड के बीच में जो रस्सी होती है या कुछ संकली होती है उनके बीच में अगर उसकी रस्सी मतलब उसको लेंथ चल तो क्या असर होगा? यस महेश रेनी, दोबारा दोबारा बोलो सर, बात काफी आ रही है। क्या कह रहे हैं, रिपीट करो सर एक बार, रिपीट द क्वेश्चन। हैमर थ्रो में जो रस्सी लगी होती है, जो सांकली लगी होती है, उसको अगर उसकी लेंथ को कम किया जाए या उसको बढ़ाया जाए तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल पर क्या असर पड़ेगा? अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल से ये होता है कि हम कितनी दूर उसको फेंक सकते हैं। एक तो अभी के सेंट्रीपेटल लो वो फोर्स होता है जो हम अंदर की तरफ लगाते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो हम बाहर की तरफ लगाते हैं। अब उसमें दोनों ही फोर्स लगते हैं, हमारे लेंथ कम ज्यादा करने से हमारे जो फेंकने की जो क्षमता है वो कम ज्यादा हो सकती है। नहीं मान लो उसकी लेंथ को कम किया गया है तो अपकेंद्रीय बल पर क्या असर पड़ेगा, वो बढ़ेगा या घटेगा? आप मुझे ये वर्ड इंग्लिश में बताओगे? तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में ये पूछ रहे हैं। सेंट्रीपेटल जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। अब आप कह रहे हो सेंट्रीफ्यूगल लेंथ ऑफ द रोप ये कह रहे हैं, इसको लेंथ अगर रोप के लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो जो फेंकने की जो क्षमता है वो ज्यादा होगी। वो तो होगी लेकिन अपकेंद्रीय बल बढ़ेगा या अपकेंद्रीय बल बढ़ेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कौन सा बल, प्रभाव किस बल का दिखेगा? सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सिंधु सभ्यता के बारे में टेरिकोटा यूज किया हुआ है किस लिए, किस काम? टेरिकोटा, टेरिकोटा पेंटिंग होता था, मतलब ये पता नहीं मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस से। टेरिकोटा मिट्टी का बर्तन होता था वो शायद, ऐसा लग रहा है। हां जी हां जी, टेरिकोटा जस्ट लाइक अ पेंटिंग थी ना उस समय, पेंटिंग का एक स्टाइल था। सिंधु सभ्यता का करंट स्थल भी है जो हमसे पूछ सकते हैं, वो कौन सा है सर? हिंदू सभ्यता का वह राखी गढ़ी है, मिताथल, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ा पाकिस्तान में, धोलावीरा भी रिसेंट में, लोथल गुजरात में है। यस सर, लोथल एक बंदरगाह भी रही है हड़प्पा सभ्यता की। इसमें अग्निकुंड भी मिले हैं, लोथल और कालीभंगा। फिजिकल एजुकेशन में लीवर के बारे में सुना होगा आपने, लीवर तीन प्रकार के होते हैं। तो कैंची में कौन सा लीवर काम करेगा? कैंची में रजनी, महेश, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी फास्ट, लिमिटेड टाइम 5 मिनट्स। एक 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 टीचर के लिए क्लास में कौन सी चीजें चैलेंजिंग होती हैं? सबसे ज्यादा चैलेंज यही होता है कि बहुत सारे बच्चे जब होते हैं 30 से ज्यादा, तो हमें उनमें सबको समझाना एक साथ और उनको एक समझाना चैलेंज है मैम।
आप टीचर है और समझाना चैलेंज है, एक साथ लेके चलना, लेके चलने के लिए ही तो आप टीचर बन रहे हो। और उनको समझा कॉन्सेंट्रेशन, मैंने बोला मैम कि एक टीचर के लिए चैलेंजेस क्या है, एक क्लास में एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कोई साथ लेके चलना। जी मैम, नहीं मैम, जब मेरे क्लास में जब बहुत गिफ्टेड चाइल्ड और थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के चाइल्ड जब एक साथ आते हैं तब थोड़ा सा उसमें मंदबुद्धि चाइल्ड के लिए सर स्कूल नहीं बने, नॉर्मल स्कूल इज नॉट अवेलेबल फॉर स्लो माइंडेड या मंदबुद्धि बच्चे के लिए। कमजोर तो आप मंदबुद्धि नहीं बोल सकते हैं, नहीं सर, स्लो लर्नर आप बोल सकते हैं। यस वी कांट यूज दिस वर्ड। जी मैम, स्लो लर्नर सर, स्लो लर्नर और जब गिफ्टेड बच्चे, क्योंकि ऑटिज्म, आप जो मंदबुद्धि बोल रहे हैं ना वो ऑटिज्म बच्चे हो गए, उनके लिए अलग स्पेशल चाइल्ड केयर होता है, स्पेशल स्कूल्स होते हैं। तो एक तो नोटोरियस बच्चों के लिए और दूसरा स्लो लर्नर के लिए चैलेंजिंग हो जाता है चीजें हैंडल करना टीचर्स के लिए। तो अगर ये दो चीजें आपको मिल गई क्लास में, दो बच्चे मिल गए, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? जी मैम, अगर इस तरह के बच्चे हमारे क्लास में आते हैं तो उस कंडीशन में जो तेज बच्चे होंगे उनको थोड़ा सा कुछ क्रिएटिविटी वाला काम अगर दिया जाए तो उस समय वो बिजी हो जाएंगे, और जो स्लो लर्नर होंगे उसके ऊपर थोड़ा 2-4-5 मिनट हम अपने लिए, मतलब उसके लिए निकाल सकते हैं क्लास के दौरान, और बार बार क्लास के दौरान उनसे हम पूछ सकते हैं जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उनसे क्वेश्चन, या जब क्वेश्चन वगैरह किया जाएगा तो सबसे पहले उन्हीं से पूछेंगे, तो इस तरह से वो बच्चे भी थोड़ा मतलब जगह पे आ सकते। जैसे जो कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं या गुड गिफ्टेड बच्चे हैं उन्हें हम हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, और जो नहीं तो बियॉन्ड सिलेबस तो आप नहीं जा सकते हैं ना। नहीं, उसी में से जैसे क्वेश्चन, कई बार टॉपिक है उसमें से कुछ ना कुछ टफ भी होता है और इजी भी होता है, जैसे स्लो लर्नर बोल रहे हो आप, उन्हें हम मैडम नीचे के स्तर से उठाएंगे कि उन्हें पहले ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि वो उनका जवाब दे सके, और उससे उनमें मोटिवेट आएगा और उसके बाद उन्हें हार्ट की तरफ लेकर जाएंगे। ठीक है सर, आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं? केवीएस में आने का मुख्य कारण यह है कि ये प्रतिष्ठित संस्था है और नेशनल इंटीग्रिटी को मान देती है, और यहाँ पर अलग अलग वर्ग के बच्चे आते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के बच्चे हैं, और इससे ये एक मिनी इंडिया बन जाता है केवीएस, और मिनी इंडिया बनने से हमें इससे बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिलता है, और हम बच्चों को भी अलग अलग कल्चर के बच्चों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और केवीएस आपको क्यों चुने ये बताइए, आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन केवीएस आपको क्यों सेलेक्ट करे, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है कि केवीएस आपको सेलेक्ट करे? हम एक क्रिएटिव पर्सन है जो हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, बच्चे को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। मतलब बहुत परफेक्ट नहीं लग रहा, और थोड़ा अच्छे से बताइए। एनीबॉडी एल्स? मुझे नहीं लग रहा है, मैं बताऊं? यस रजनी, फास्ट प्लीज, लिमिटेड टाइम, जल्दी बताइए। क्योंकि ये क्वेश्चंस तो हर सब्जेक्ट से ही है। प्लीज जल्दी बताइए, 1 मिनट लेफ्ट, जल्दी। अनीता, यू वांट टू ट्राई? अगर बच्चों में 1% भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरी हार नहीं मानी है। नेटवर्क प्रॉब्लम रानी, देयर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम, अदरवाइज इट वाज गुड। All other since, अब एक बार हम लोग स्टॉप करेंगे, और ये लास्ट 1 मिनट आई वांट टू डिस्कस विद यू। जैसा हमारे पास कल एक अच्छी न्यूज थी रिगार्डिंग अवर स्टूडेंट प्रहलाद, ही हैज गॉट सिलेक्टेड फॉर AWS इन हिंदी एज वेल एज संस्कृत। आज हमारी जो अच्छी न्यूज थी वो ये थी कि हमारे लाइब्रेरियन स्टूडेंट राम किशोर हैड शॉर्टलिस्टेड फॉर AWS लाइब्रेरियन पोस्ट, और जब मैं उनको डेमो और इंटरव्यू करवा रहा था तो मैंने उनको ये कहा था कि डेमो के चांसेस कम है, मुझे ऐसा लगता है, अगर फिर भी हम डेमो कर लेते हैं क्या पता लगता है, और हुआ ये कि वहां पर उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, सिर्फ डेमो हुआ, तो वो बहुत अच्छा रहा हम लोगों ने, कि हम लोगों ने कोई चांस नहीं लिया और डेमो के लिए हम लोगों ने अच्छे से